सेलिब्रिटी लाउंज में आप सबको खुश आमदीद। मिस बाउल हक हमारे आज के गेस्ट हैं। लोगों के जोश व खरोश से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वो अपने कौमी हीरोज़ को कितना प्यार करते हैं। मिस बाउल, आप मियांवाली से बिलोंग करते हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्रिकेट खेलने का आगाज़ मियांवाली की गलियों से किया आपने? जी बिल्कुल, जिस तरह सारे पाकिस्तानी करते हैं, गली से, घर से, सेहन से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में जाते हैं। और कितने कितने लोगों के आपने घरों के शीशे तोड़े? ये तो काउंट करके नहीं रखा, लेकिन जाहिर है जब आप घर में खेलेंगे तो चीज़ें टूटेंगी। तो बस अपनी जिंदगी की सारी शरारत, कोई शरारत बता दें, एक आध बता दें, कोई ऐसी शरारत जो आज तक याद ना भूली हो और याद आती है। अब तो बहुत टाइम हो गया, याद करना मुश्किल है। मतलब मैं आपसे एज नहीं पूछूंगी क्योंकि कल शाहिद की एज पूछी थी तो बड़ा एक शोर मचा था। मैं एज नहीं पूछूंगी, मुझे वो लोग वैसे ही नहीं पसंद जो दूसरों की एज पूछते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगी, लेकिन कोई ऐसी शरारत मुझे एज ना बताने में कोई जो है वो झिझक है और ना ही छुपाने में कोई खुशी है। मेरी एज तो बिल्कुल क्लियर है लोगों के सामने। चले इतना बता दें कि आप शाहिद से छोटे हैं या बड़े? मुझे नहीं पता, मैं 45 का होने वाला हूँ, शाहिद का मुझे नहीं पता। शाहिद से बड़े हैं। शाहिद मुबारक हो आपको, आप मिस बाउल हक से 3 साल छोटे हैं। इसमें आप क्या समझते हैं कि पिच को क्रेडिट जाता है या खिलाड़ियों की कारकर्दगी को? आई थिंक हर दौर की जो क्रिकेट है वो डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली पिचेस हैं, फिर पावर प्लेज हैं, फिर बॉलिंग, फिर सारी जो डिफरेंट रूल्स में भी चेंजेस आती हैं वो भी डिफरेंट है, फिर डिमांड्स ऑफ क्रिकेट डिफरेंट है। मॉडर्न, जितना मॉडर्न क्रिकेट आती जा रही है उसमें पिचेस बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। ऑब्वियसली T20 क्रिकेट और T10 क्रिकेट के आने से स्कोर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी एक दिन में 350 रन हो जाते हैं, पहले 200 रन, 225 रन होते थे। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है वो बदलती रहती हैं, और उसमें कई चीज़ों में अगर आप देखें स्कोर, एवरेज स्कोर बढ़ते जा रहे हैं। शादी को 15 साल? जी जी। आपकी पसंद वालदैन की? जी मेरी भी पसंद है और वालदा की भी पसंद है, मेरे मामू की बेटी। अच्छा, फैमिली में की शादी? दो बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? जी दो बच्चे, बेटा और बेटी। बेटा और बेटी। अच्छा, ज़्यादा किसके करीब है, बेटी के या बेटे के? दोनों के करीब हूँ, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। क्रिकेट के मैदान में बेटा किसको आइडियलाइज? मेरे ख्याल में मेरे अलावा सबको आइडियलाइज करता हूँ। ये क्या बात है, ये तो ना मानने वाली बात है। हो नहीं सकता कि क्रिकेट की दुनिया का एक इतना बड़ा नाम घर में हो और वो दूसरों को आइडियलाइज करे। वो लेफ्ट हैंडर है तो वो ज्यादा कुमार संगकारा को देखता है और उसको देख के उसको फॉलो करता है। और आप राइट हैंडेड? मैं राइट हैंडर। अच्छा, इस वजह से बेटी क्रिकेट खेलती है? नहीं, बेटी क्रिकेट की शौकीन नहीं है, वो मेरे ख्याल में अपनी माँ पे ज्यादा है, उसको पेंटिंग का शौक है ज्यादा।